गाइस, सो पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी हमने लास्ट क्लास में करी थी, इट्स डन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ब्रूनर की तरफ। मैं आपको पहले सिर्फ थ्योरीज ही कराऊंगी, जैसे पियाजे हो गया, ब्रूनर, देन वाइगोत्स्की, कॉलबर्ग, पियाजे मॉरल डेवलपमेंट, कैरल गिलिगन्स थ्योरी, एरिक्सन्स, थॉर्नडिक्स, वॉटसन, पावलोव, स्किनर, वोल्फगैंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और बाद में हम जो फैक्ट्स वगैरह हैं, कोठारी कमीशन है, ये सब वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ ग्रुप आइदर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप। सो इफ़ यू वांट द नोट्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अगर ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट होएगी, अप्रोच होएगी, तो आई विल मेक अ ग्रुप फॉर द नोट्स, जिसमें आप PDF वगैरह, आई कैन गिव यू द PDFs, ठीक है। सो ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी आफ्टर पियाजे, 1961 में दी थी उन्होंने, एंड ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइगोत्स्की। बट जो ब्रूनर थे वो स्टेजेस पे बिलीव नहीं करते थे, और उन्होंने बोला था द रोल ऑफ अ टीचर शुड बी एज अ फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर मीन्स द वन हु फैसिलिटेट्स द चाइल्ड, ठीक है। रादर देन बींग अ डिक्टेटर, आप बच्चे को फैसिलिटेट करते हो, आप बच्चे को गाइड करते हो, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको डिस्कवर करना चाहिए रादर देन बींग टोल्ड, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप बच्चे को बता रहे हो कि जो आंसर्स हैं, अगर आप बच्चे को सीधा आंसर दे देते हो कि बेटा क्वेश्चन ये है और इसका आंसर ये है, वो प्रोसेस गलत है, वो अप्रोच गलत है। आपको उनको क्यूरियस, जो उनकी क्यूरियोसिटी होती है उसको जगाए रखना चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसको बनाए रखना चाहिए, और उसके लिए क्वेश्चन दे के आप उनको ये पूछ सकते हो कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है और हर आंसर के पीछे उनकी अप्रोच क्या है, ठीक है। और फिर आप उनको स्टेप बाय स्टेप सही आंसर की तरफ लेके आ सकते हो, ठीक है। ही ऑल्सो सेड चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर एक्शंस, ठीक है। जो बच्चा होता है वो अपने एक्शन से सीखता है, और जो आइकॉनिक इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चे को। जो चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर ओन एक्शन है, ये पियाजे की फर्स्ट स्टेज में भी पियाजे ने कहा है, ठीक है। वाया रिफ्लेक्सेस, सेंसेस के थ्रू जो याद करते हैं बच्चे, और जो आइकॉनिक इमेज है उसके बारे में पियाजे ने भी बात करी है सेकेंड स्टेज में। देन ब्रूनर टॉक्ड अबाउट द यूज ऑफ सिम्बल्स, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन लैंग्वेज, और जिसके बारे में पियाजे ने बात करी है उनके फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है, ठीक है, जो फोर्थ स्टेज में आकर डेवलप होती है। तो ब्रूनर ने कुछ ये बातें करी हैं फिलहाल, उसके बाद इनकी थ्योरी पे आते हैं। सो उनकी थ्योरी में तीन मोड हैं, विच इज इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिम्बॉलिक मोड, ठीक है। तो जो इनएक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज का मतलब होता है वो स्टेज जिसमें जो बच्चा है वो टच के थ्रू लर्न कर रहा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल टचिंग, और जो बच्चे का रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों का या फिर जो भी उसके आसपास हो रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द मोटर रिस्पॉन्सेज एंड हिज एक्टिविटीज, ठीक है। इस स्टेज पे जो बच्चा होता है, ही नोज द वर्ल्ड ओनली थ्रू अ मीडियम ऑफ एक्शंस, ठीक है। उसको और कुछ नहीं पता, उसको वर्ड्स नहीं पता, उसको इमेजेस नहीं पता, ऑल एंड ऑल वो जो उसको पता है वो बस एक्शंस हैं। एक्शंस के थ्रू ही जो बच्चा है वो अपने एनवायरमेंट को ग्रास्प करने की कोशिश करता है, टच करता है, बाइट करता है, ठीक है, और इधर उधर फेंकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है आइकॉनिक मोड, विच इज वाया सिम्बल्स एंड पिक्चर्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेज है बच्चे की, आइकॉनिक स्टेज आ जाती है, जिसमें जो बच्चा है वो जो उसके आसपास का एनवायरमेंट है उसको वो इन टर्म्स ऑफ इमेजेस या मेंटल पिक्चर्स के फॉर्म में देखता है, ठीक है। जिसका मतलब है इन्फॉर्मेशन, जो बच्चा इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो इमेज के फॉर्म में है, और जो इमेज है वो कॉग्निटिव प्रोसेस में कंट्रोल हो रही है वाया परसेप्शन, ठीक है। इमेज का जो बच्चा परसेप्शन बना रहा है वो उसके दिमाग में इमेज, जो आइकॉनिक मेमोरी है वो फिट हो रही है, ठीक है। और जो भी एनवायरमेंट उसको, उसका अटेंशन ग्रैब करता है चीज, उसका विजुअल मेमोरी एक वो डेवलप करता है, और उसके हिसाब से वो अपने दिमाग में उस इमेज को, उस मेमोरी को फिट कर लेता है, ठीक है। थर्ड इज सिम्बॉलिक मोड, जिसमें आ जाता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो लास्ट स्टेज है जिसमें जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाती है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स,
सिंबल्स और जो भी इमेजिनरी एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना हो रहा है बच्चे के आसपास में, ठीक है। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स हमारे किससे बने, सिंबल्स से, ठीक है। और सिंबल्स ऑफकोर्स एब्स्ट्रैक्ट है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हमने एक डिफाइंड लेटर्स जो जिस भी तरीके से हम लिख रहे हैं उनको सेट करा हुआ है अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब अभी के टाइम पे हम हुआ 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 नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में मोटर एक्टिविटीज सेंसरी इमेजेस के थ्रू होने लग जाती है, जिसमें आपका सिंबॉलिक मोड चलता है और जो बच्चा है वो सिंबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। सिंबॉलिक स्टेज अलाउ करती है कंपैटिबिलिटी, इसका मतलब कि जो एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि जो फॉर्मूला है, जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, वो सारे बच्चे के एक्सपीरियंस में एड ऑन होते हैं। जो बच्चा ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ता है और जो भी मतलब फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ता है, ये सारी चीज़ें बच्चे के लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ में जुड़ती आती हैं और वो उनको ग्रास्प करता जाता है, ठीक है। तो ये सब ब्रूनर ने कहा था। इसके अलावा जो ये बातें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, ये ब्रूनर की एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। जो ब्रूनर की थ्योरी है, इसके एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो टीचर है वो सब्जेक्ट मैटर जो बच्चा है उसके हिसाब से ही पढ़ाए, क्योंकि अगर बच्चे को आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज इस स्टेज के बजाय इस स्टेज में पढ़ाओगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको सिम्बॉलिक मोड आया ही नहीं है। जब तक उसका सिंबॉलिक मोड नहीं आएगा जिसमें बच्चा इंस्ट्रक्शन समझेगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो तब तक यहाँ वाली चीज़ों मतलब वो तब तक जब तक वो इस पर आएगा ही नहीं वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसको उस स्टेज तक आना पड़ेगा, ठीक है। स्टेज भी नहीं, खैर मोड उन्होंने बताया था, क्योंकि स्टेज को उन्होंने खारिज कर दिया था। उनके हिसाब से जो बच्चा है, चिल्ड्रन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सो द टीचर शुड सेलेक्ट द एक्टिविटीज जो उस मोड के बच्चा जिस मोड पे है उस मोड को ध्यान में रख के टीचर को एक्टिविटीज सेलेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर बच्चा कोई आइकॉनिक स्टेज पे है, ठीक है, तो आइकॉनिक स्टेज पे वो क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है, कोई आइकॉनिक स्टेज पे वो इमेज बना रहा है अपने दिमाग में, ठीक है। तो टीचर को क्या देना चाहिए, उसको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट देना चाहिए जिसको बच्चा एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, उसके बारे में वो परसेप्शन बना पाए। जैसे कि अगर टीचर को बॉल या राउंड फिगर के बारे में समझाना, तो टीचर उसको बॉल दे सकती है रेड कलर की, टीचर उसको बता सकती है कि दिस इज राउंड दिस इज रेड कलर वाला बॉल, तो बच्चे को समझ आएगा कि अच्छा ये बॉल है, तो उसके दिमाग में जा रहा है। तो जब अगर वो बॉल नहीं भी देख रहा पर उसका आइकॉनिक इमेज फिट हो रखा है कि बच्चे ने लाल कलर की बॉल से खेला था और बॉल गोल थी, ठीक है। और ब्रूनर के हिसाब से जो बच्चा है वो तभी वर्ड सीख पाएगा जब वो सिम्बॉलिक मोड में होगा, और जहाँ पे उसका जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी। और इसीलिए जो हमारा डिफेक्ट है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम का, वो यही है कि वो वर्ड्स से शुरू होता है रेदर देन इट शुड बिगिन विद द मोटर एक्टिविटीज़, और वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रूनर चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट्स मोटर परफॉर्मेंसेस देन कंस्ट्रक्टिंग इमेज देन वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले बच्चा मोटर परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है, फिर कंस्ट्रक्ट करता है वो इमेजेस, और उसके बाद वो कंस्ट्रक्ट करता है वर्ड्स, ठीक है। एंड दिस इज द डिफेक्ट ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन, इट बिगिन्स विद वर्ड्स रेदर देन बिगिनिंग विद मोटर परफॉर्मेंसेस, ठीक है। हालांकि अब काफ़ी चेंज आ गया है, अब तो UKG प्रैप प्री स्कूल ये स्कूल फलाना धमकाना आ गया है, बट इनिशियली इतना कुछ नहीं होता था, तो वो ABCD से शुरुआत करते थे, विच वॉज रॉन्ग, ठीक है। तो दिस वॉज ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर कॉग्निटिव थ्योरी। बाय।